और एक चीज और आपको दिखाऊंगी इधर ये चक्कर है, ये बोलने वाली चीज़ है ही नहीं। तो ये भाई अम्मा का मशवरा है, तो देखते हैं इसके ऊपर अमल दरामद होता या नहीं होता। आ तो नहीं रहे? हाँ, नहीं सफाई सफाई करनी है, प्यार करना, सफाई करनी। वेलकम टू न्यू वीडियो, आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। दिन के तकरीबन भाई 1 बजने वाला है और आज है जी जुमा का दिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको एडवांस में जुमा मुबारक। जुमा के नमाज का टाइम होने में तकरीबन अभी भी 1 घंटा बाकी है, तो कुछ काम थे, मैंने कहा चलो भाई उससे पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर नमाज के लिए तैयारी करेंगे। तो आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो है ना भाई मुनव्वर का जो घर का सेन है ना उसमें आया था, तो इधर आज जो है थोड़ी सी अपग्रेड हुई हुई है, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। और वो ये कि भाई इधर देख रहे हो, ये इन्होंने बनाया है शेड ऊपर, और ऐसे लग रहा है जैसे वो ब्रिज बनाते हैं ना ऐसे स्लोप वाली, और ये डिज़ाइन माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा बना हुआ है। तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लगाया इन्होंने, इस तरह से बनाया स्लोप ताकि बारिश का पानी भी अंदर ना जाए और स्लोप भी वो प्यारी लगे जो शेड ऊपर बन गया है। और इधर से इन्होंने ये जो दरवाज़ों का डिज़ाइन बनाया है ना गोल गोल, शुरू में जब मैंने घर स्टार्ट किया था ना तो तब मेरा भी प्लान था कि मैं ना दरवाज़ों को गोल रखाऊं या फिर ऊपर विंडोज़ जो बनी है ना उनको इस तरह से गोल इस तरह से करूं, लेकिन फिर ना मैंने ये प्लान चेंज किया इसलिए कि अगर गुलाई में थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए ना तो वो वाजे फील होने लग जाता है और वो बुरा लगता है, इसलिए फिर ना उस चीज़ को मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा स्क्वेयर में ही रखते हैं, वो ज़्यादा ईजी भी बनती हैं और बनती भी एग्जैक्ट हैं, तो उसमें वो कहते हैं ना एरर का रिस्क कम हो जाता है, इसलिए फिर मैंने वो चेंज किया। वैसे भी थोड़ा सा ना मुझे ये भी फील होता था कि ना ये वो मज़ारों वाली फीलिंग आ जाती है, तो इसलिए जना मैं गोल की तरफ नहीं गया। लेकिन ये भी प्यारा लग रहा है, इन्होंने ये जो बनाया ना ये सेम मिस्त्री काम कर रहा है जो मेरे घर का काम कर रहा है, तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ दरवाज़ा लगेगा तो पता चलेगा। और एक और बड़ा मसला होता है इसका कि इसके लिए जो आपने दरवाज़ा कस्टम बनवाना पड़ता है ना उसका बड़ा इशू होता है, इसलिए भी मैं इस तरफ नहीं गया। तो खैर जी सेहन काफ़ी ग्रीन ग्रीन पड़ा है, और कल भाई बता रहे थे खबरों में कि तेज़ हवाओं और बारिशों का इम्कान है, तेज़ हवाएँ तो चल पड़ी हैं भाई, देख रहे हो बस पता नहीं, बस अब पता नहीं तेज़ बारिश भी होती है या नहीं होती, शायद ये तेज़ हवाएं ही जो है ना भाई सर्दियों को वेलकम कर रही हैं, अल्लाह करे बस अब सर्दियां आ जाएं। सबसे ज़्यादा भाई खुशी की बात है आपको बताऊँ, ये लीमू का पौधा है और ये भाई मुनव्वर लोगों ने ना पीछे जहाँ मेरा भी घर बना है वहाँ से निकाल के यहाँ लगाया था, और अल्लाह का शुक्र है ये नहीं सूखा और फल भी ले रहा है, मज़े की बात है। ये देखो और यहाँ पर चेक करो, ये कमाल की बात है भाई। लीमू इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने हो जाएंगे, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत महंगे हैं भाई। और इधर बाकी के फूल वगैरह भी लगे हैं, ये अमरूद के पौधे हैं भाई। तो मैं अभी जो काम करने लगा हूँ ना वो ये है कि भाई तेज़ हवा चल रही है और रेत सारी जो है ना उड़ के सड़क पर जा रही है उधर, तो इसके ऊपर अभी मैंने करना है छिड़काव। तो पाइप में ले आया हूँ, अभी जो है ना पीछे से इसका वॉल खोल देता हूँ ताकि पानी आ जाए और इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं ताकि मज़ीद रेत ना उड़े। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, शायद आपको कैमरे में नॉइज़ भी आ रही होगी वीडियो में, तो इसलिए जो है ना वो छिड़काव करना ज़रूरी है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहा के भाई जुमे की नमाज़ के लिए जाएंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में मौसम कैसा चल रहा है, यहाँ तो भैया तेज़ तेज़ हवाएँ चल रही हैं। और भाई सैलाब आ गई, ये भाई काफ़ी अरसे से रेत हमारी पड़ी है, लंटर जब डल रहा था ना उस दिन ये हमने डलवाई थी, फिर इस्तेमाल नहीं हुई, घर का काम लंटर की वजह से रुका हुआ है, तो इसलिए जो है ना ये भाई वेस्ट ही होती जा रही है, मोहल्ले वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो इसके ऊपर छिड़काव करना पड़ेगा। आपको पता है मोहल्लों में ना लोग रेत को ना बर्तन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बर्तन इस तरह से वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो लोग चूल्हों पर आग वगैरह जलाते हैं ना उस पे बर्तन काले हो जाते हैं, तो वो जो कालक होती है ना उसको उतारने के लिए रेत को लगा के रगड़ते हैं कपड़े के ऊपर, जिससे वो साफ़ हो जाते हैं। अच्छे से पानी लगा दिया मैंने रेत को, और बहुत पानी लगाना पड़ता है भाई, अब्जॉर्ब कर जाती है फ़ौरन, डीप तक जब पानी ना जाए ना मतलब अच्छे तरह से एक दो लेयर तक नीचे चला जाए तब ही ये कुछ टाइम गुजरता, नहीं तो फिर अगर ऊपर ऊपर ही छिड़काव करता हूँ ना तो वो फिर थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा, फिर उड़ने लग जाएगा, इसलिए अच्छे से करना पड़ता है। खैर अच्छे से इसका छिड़काव हो गया, अब जो है ना मोटर को भी करते हैं बंद और नहाते धोते हैं तैयारी करते हैं भाई। टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस पौधे की है कि ये ज़ाया नहीं हुआ,
ग्रो कर गया माशाल्लाह से। और सागर ने जो उखाड़ के लगाया था पौधा, वो मौसमी या माल्टी का था, वो तो भाई एक बार सूख गया, पता नहीं शायद दोबारा ग्रीन हो जाए तो पता नहीं, लेकिन ये भाई सूखा भी नहीं है, ग्रीन ही खड़ा है। असल में ये थोड़ा छोटा पौधा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ भाई, अभी नमाज़ का टाइम होने में तकरीबन भाई 25 मिनट पड़े हैं, तो अभी निकलते हैं जी, मस्जिद जाते हैं। थोड़ी देर पहले पहुँच जाना चाहिए, खुतबा भी सुनना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सवाब कमाना चाहिए। और भाई इस तरह की जगहों को मैं मिस कर रहा हूँ, जहाँ इस तरह के दरख्त हों और बर्फ़बारी हो और नीला नीला आसमान हो, मज़ा ही आ जाए। आए वाह वाह, कब ऐसी जगह देखने का मौका मिलेगा। तो खैर जी, अभी चलते हैं नमाज के बाद, फिर बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। आपने सेल कहे थे कि वॉल क्लॉक के लिए ले जाना, लेकिन ये तो चल रही है। अच्छा वैसे हिल रही है, थक गई है। अच्छा भाई, अम्मा ने कहा तो सेल लेके ना, मैं दो लेके आऊँ, एक इसके लिए लेके आऊँ। आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने कहा था कि अंदर वाले जो बेडरूम के अंदर वॉल क्लॉक लगी है ना, कि उसके अंदर भी सेल डालना, लेकिन 6 महीने गुजर गए, हिम्मत नहीं हुई कि सेल डाल दें। आज भाई ना अम्मा ने कहा था कि लेके ना वापसी पे, तो दो सेल लेके आऊँ, उतारे इसको, इसमें एक सेल डालते हैं, इसको पहले अच्छे से चमका लें। ये भाई मैं कपड़ा लेके आया था, फाइबर क्लोथ, ये तो मैं गाड़ी धोने के लिए ले आया था, लेकिन यहाँ घर की सफाई किसी से होती है। ये ना भाई दाग बनते हैं, जो मिट्टी इसमें चली जाती है ना, गाड़ी के ऊपर मारो उसके पेंट पे स्क्रैच लग जाते हैं, ऐसे मिट्टी इसमें घुस जाती है। चलो भाई अब इसका सेल निकालते हैं। अच्छा उम्मीद है अब ये भी चल जाए, क्योंकि ना ये मुझे लग रहा है कि उनके पास ना पुराने पड़े थे, तो उम्मीद है कि ये भी लंबे अरसे तक चल जाए। ले भाई चल गया, टाइम क्या हुआ, मेरी घड़ी का भी टाइम गलत है, 5:19 हुए खड़े हैं, ये मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं है तो इसलिए टाइम गलत हुआ है इसका, 2:43 हो गए भाई। उठाएं इसको, हाँ अब दिखा, 2:45 कर देंगे। बस चल अब ठीक हो गया, चल गई। वो अंदर वाली वॉल क्लॉक भी बंद है, इसको तो अरसे ही गुजर गए हैं बंद हुए, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी टाइम देखने की, इधर जैसे मोबाइल से देख लो या घड़ी से देख लो हाथ वाली। तो अब इसमें भी ये वाला सेल डाल देते हैं, पाँव मुझे इधर रख के चढ़ना पड़ेगा। अम्मा इसके ऊपर हाथ रखें, ये घड़ी जो है ना भाई ज़्यादा सेल पीती है, क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में ना पावर ज़्यादा लेती है, इसमें जो मोटर लगी हुई है ना वो ऐसे ही ऐसे सुई को घुमाती है, तो ये ज़्यादा पावर लेती है और जल्दी ख़त्म हो जाता है इसका सेल। तो भी चल, ये तो इसमें सेल तो ऐसे डाला हुआ था जैसे ऐसे था ना। हाँ इसको भाई सेल लूज है, इसको सपोर्ट देनी पड़ेगी, चलें सपोर्ट दे के चलाते हैं इसको। दूसरे वॉल क्लॉक में भी सेल डाल दिया, और उसके लिए भी आपके साथ एक ट्रिक शेयर करता हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। समटाइम्स ना आपका सेल फिट नहीं आ रहा होता, तो भाई इस तरह से ना ये देख रहे हो, ये सिगरेट की जो डब्बी होती है ना उसमें वो एल्यूमिनियम फॉयल होती है, आपके पास वैसे एल्यूमिनियम फॉयल पड़ी है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ना मैंने भाई ये साथ लगा के ना इसमें से करंट पास हो जाता है, ये मैंने इधर लगाई है, ये लूज़ था सेल बिल्कुल, तो ये मैंने एल्युमिनियम ऐसे फॉयल लगाई है। और ये अब चेक करना भाई हमारा क्लॉक चल गई है, देख रहे हो। तो अब इसका टाइम सेट कर देते हैं और इसको भी लगा देते हैं। ये वाली भाई वॉल क्लॉक ना भाई लियाकत लेके आए थे, 1250 रुपये इसका रेट लिखा हुआ है, आज से तकरीबन ये 6-7 साल पहले आई है। बड़ी अच्छी क्लॉक है, बड़ी मतलब ना वो प्रीमियम प्रीमियम से फील करवाती है। आजकल इस तरह की लेने लगे ना, कम से कम भी ना आपको ये तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये की मिलेगी। अच्छा। उस वक्त ये 1250 रुपये की मिली हुई है, और ये ली गई है जी भाई विक्टोरिया डिपार्टमेंटल स्टोर, ये लाहौर से भाई लेकर लेके आए थे। काफ़ी मतलब ना प्रीमियम क्वालिटी की फील आती है, इसकी भारी है, भारी और अच्छी, अभी भी बिल्कुल ठीक खड़ी है। ये भी लग गई, और इधर ये भी लग गई, और एक चीज़ और आपको दिखाऊंगी इधर है, ये चेक करें। कल मैं साइलेंसर पे ना भाई शीट लगवा के आया हूँ, कार्बन फाइबर,
ये लगवाई है, फिर मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं अगर कुछ लिखवाया जाए, फिर मुझे याद आया कि मोटरसाइकिल का नाम मैंने बीस्ट रखा था तो वो मैंने लिखवा दिया है, और ये मैं BMW वाली पट्टियाँ बनवा के मैंने यहाँ लगवाई हैं, BMW भी होगी, बीस्ट भी होगी और होंडा का मोटरसाइकिल भी हो गया, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई इसका ना मैच बड़ा ज़बरदस्त बना, ये मैंने बिल्कुल मैनुअल सारा कुछ खुद बनाया है तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, और ये मेरा बनाया है ये 350 रुपये में ये सारा, और ये भी, और इधर जो है ना मीटर के ऊपर मैंने शीट लगवाई थी प्रोटेक्शन के लिए ताकि ना स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच ना आए, स्क्रैच आ जाए ना तो फिर धुंधला सा हो जाता है, ऐसा ऐसा ख़राब होने लग जाता है, इसलिए फिर मैंने उसके ऊपर ना वो शीट लगवा दी है। बस देख लेना मुझे ना चीज़ सही हो, बिल्कुल ठीक चलती हो तब तक अच्छी लगती है, जब वो ख़राब हो जाना फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए ना मैं शुरू से ही केयर करता हूँ कि चीज़ बस ना मैं चीजों का ख्याल रखता हूँ कि यार जब यूज खुद करनी है तो अच्छी चीज ही इस्तेमाल बंदा करे ना, ना कि उसको खराब करके फिर बंदा उसको बगा रहा हो ठीक करवा रहा हो, उससे अच्छा है कि शुरू से उसकी केयर कर लो और वो आपके बस लॉन्ग टर्म चलती है। एक और अपडेट भी आपके साथ शेयर करनी थी घर के रिलेटेड ही, तो मैंने सोचा भाई आपके साथ वो भी अभी शेयर कर देता हूँ इससे पहले कि मुझे भूल जाए, बल्कि ये भूलने वाली चीज़ है ही नहीं तो ये भाई अम्मा का मशवरा है, तो देखते हैं इसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता। हमारा पहले प्लान था कि भाई अभी नीचे वाला सारा स्ट्रक्चर बन गया है ना, इसके ऊपर जो बनना है ना वो भी अभी बना रहे हैं, लेकिन अम्मा ने कहा है कि भाई नहीं पहले नीचे वाला कंप्लीट करो, प्लास्टर करवा लो अंदर से, फर्शों को कच्चा करवा लो या मतलब उनकी कुटाई वगैरह करवा लो, उसके बाद फिर ऊपर स्टार्ट करें। हाँ इसकी भाई असल वजह मैं आपको बताऊं ये है कि नीचे ना जरियां मारी गई हैं, उनके अंदर पाइप डलने हैं प्लम्बर के, तो अगर हम ऊपर स्टार्ट कर देना तो वो ऐसे ही खड़े रहेंगे, उनको फिर प्लास्टर करने में बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, वो टूटने का भी रिस्क होगा और वैसे भी बिल्डिंग भी थोड़ी सी फिर वीक हो जाती है इससे ना, ऐसा ऐसा फिर वो कहते हैं ना दराड़ें पड़ ही जाती होती हैं जब बंदा उस चीज़ को फिक्स ना करे, तो इसलिए फिर हमारा फ़िलहाल ये प्लान बन रहा है कि नीचे वाला अंदर से सारा प्लास्टर भी करवा लें, फर्श भी सही से उनको मतलब कुटाई वगैरह करवा के अगर कच्चा करवाना है तो वो भी करवा लें, उसके बाद फिर ऊपर वाले स्ट्रक्चर पर जो है ना हम अपनी जो कहते हैं चुनाई स्टार्ट करें, और नीचे जो है ना तब तक जो है ना इलेक्ट्रीशियन भी अपना काम कर ले। या तो ये करना ही ना कि जरा सेवरे जरा सामान आई हला लेट लेना है, वो सामान ही आ गया जब आई हर साल आए वैसे ना तो अंदर का काम करना शुरू हो वैसे उसमें ही तय तय हो वैसी चिंता कि मैं अंदर सारे पाइप सट लें, वो पाइप ही सट लें सी कच्चे पक्के करा के तो जो खड़े करके दीवारा नाल पूरे वो भी प्लास्टर करा ले वो सारी शकुनी वैसे एक काम तो खत्म हो जाए। मेरा भी पहले मतलब प्लान यही था कि छत के स्टार्ट कर लें, लेकिन अब माइंड थोड़ा चेंज हो गया कि पहले हम नीचे वाले को ना अंदर से कंप्लीट कर लें, बाहर से मतलब प्लास्टर बाद में कर लें, ये होता है ना कि ऊपर से चुनाई स्टार्ट हो तो नीचे प्लास्टर खराब ना हो, तो अंदर से तो खराब होने का रिस्क नहीं होता ना, तो अंदर से हम सारा फिनिश करवा लेते हैं और वो कहते हैं ना थोड़ा बहुत इसकी रेनोवेशन भी हो जाएगी, रहने के थोड़ा सा काबिल एक स्टेप आगे हो जाएगा, तो अंदर से चुनाई भी हो जाएगी, सॉरी अंदर से प्लास्टर भी हो जाएगा, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन अपने पाइप भी डाल देंगे, तो तब तक हाँ वही कह रहा हूँ, और फर्श का भी हमारा जो है ना नीचे से कच्चा करने का जो प्लान है वो भी मतलब कुटाई वगैरह जल्दी हो जाएगी, तो लाए वैसे ना लंटा ला सारे लकड़ियाँ लाए वैसे ते अंदरू दीवार बड़ी छाती वो फटे छटे लाए वैसे और नहीं हवा लग रही है, हालां ताई हम आज 13वीं 14वीं दीवार सारी है उते काम शुरू कर दे आए अच्छी गल नहीं। तो ये भाई हमारा प्लान है कि पहले नीचे वाले को कुछ हद तक कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर ऊपर स्टार्ट करेंगे, तो भाई ठेकेदार से हम करते हैं मशवरा, वो क्या कहते हैं करना तो हमने अपने हिसाब से है, लेकिन फिर भी उनसे मशवरा कर लिया जाए, वो मिस्त्री हैं तो अच्छी बात है, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा लाए मल होगा, आपके साथ शेयर करेंगे। जरियाँ क्योंकि ना मुझे भी बड़ी इरीटेट कर रही है कि जरियाँ दीवारों में डल गई हैं, तो उनको जब तक प्लस्तर ना किया जाए ना पाइप डल के, वो अजीब सी फीलिंग आ रही है कि यार कहीं मजीद नुकसान ना हो जाए दीवारों का, तो इंशाल्लाह जल्द ही कल बल्कि कल हफ्ता है ना तो कल ही काम हमने स्टार्ट करना है, तो फिर यही प्लान है कि लेंटर को उतारें और अंदर से हम इसको पहले रेनोवेट करें उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाएं, जो भी आगे अपडेट होगी आपके साथ भाई शेयर करते रहेंगे। ये भाई आप देख रहे हो ये जो जरियाँ बनी खड़ियाँ वहाँ से तो खाली होगी, दोनों साइडों से ईंट निकल गई है, ये जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे बड़ी इरिटेशन सी होती है कि यार ये क्या हुआ खड़ा, दीवारें कमज़ोर हो रही, मैं मजबूतियाँ करता फिर रहा हूँ और ये कमज़ोरियों की खड़ियाँ, तो फिर इस वजह से ना हम यही सोच रहे हैं कि यहाँ पाइप डल जाए, इसको ऊपर से प्लस्तर हो जाए, अंदर से जो पाइप डलने हैं वो भी डल जाए और उनको प्लस्तर हो जाए, फिर जब छत का काम स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में प्लम्बर फिर ऊपर की तरफ अपना साथ साथ दीवारों में काम करवाता जाएगा, तो इसलिए यही प्लान है कि पहले सारा नीचे वाले को रेनोवेट करते हैं, और रेनोवेट मतलब इन अ सेंस नहीं कि सारी चीज़ें अंदर सेट करेंगे, मतलब फर्श वगैरह लगाते हैं, अंदर से प्लस्तर पाइप वगैरह डलवाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर वाले काम की तरफ जाएंगे। हाँ जी मैम
आज दूध मिल गया था? हाँ जी, आज दूध मिल गया, शुक्र है अल्लाह का। ये क्या कपड़े चपड़े बड़े तह लगा के कमरा शमरा आज बड़ा है, टिप टॉप हुआ खड़ा है, आ तो नहीं रहे? नहीं नहीं हरे आ नहीं रहे, तो उन्हें सफाई सुफाई में आज हुई हूँ। अच्छा, मैं सारी नहीं वाणी करनी, प्यार करना, सफाई करनी, आबाद करके बैठे। मैं रेडी हूँ, जहाँ भी कमरा खाली होता है आबाद करने के लिए रेडी हूँ मैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना घर बन जाएगा, फिर अपने घर को बात करेंगे जी। चले भाई, और इनको ना भाई संभाल के रख रही है, ताकि ना जब आए ना तो उनको भाई टिप टॉप सारी चीजें मिले हैं, ऐसे ही है ना। खाने में क्या बनाया आज? बनाया ना बैंगन, आलू बैंगन, बस फिर मतलब मैं ना ही खाऊं। चले चले अभी भाई चाय पियेंगे, वैसे भी नाश्ता मैंने लेट ही किया हुआ है, तो अभी चाय पियेंगे। आपको मेरी आवाज मतलब नॉर्मल सुनाई दे रही है या बारी बारी या डिफरेंट फील हो रही है? नहीं, फील हो रही है आपको? भाई ना मुझे तो बहुत ज्यादा फील हो रही है ऐसे, जब मैं मतलब मुझे अपनी आवाज सुनाई देती है ना कानों में, तो ऐसे लगता है जैसे ना बारी बारी सी और घुटन घुटन वाली हो, ऐसे ही है। लेकिन ये कि कल की नस्बत थोड़ी कम है। ये भाई जिस घर में बच्चे हो ना, उस घर में अलमारियों में फिर कपड़े ऐसे ही पड़े होते हैं जैसे देख रहे हैं, सारे लंडे का माल बने हुए। असल में ना बच्चों के कपड़े हर दूसरे दिन, हम लोग के हर दूसरा दिन तो बड़े डेली धुलते रह जाते हैं, गंदे कर देते हैं डेली। फिर वो ना फिर माएँ जो होती है ना, बच्चे ये पड़े ऐसे उठा के कल फिर पहना देने। मुझे भी बड़ा शौक था इस तरह से ना अलमारी में कपड़े मतलब एक सीक्वेंस में रखने का, जिस तरह से ना मतलब इस तरह से बॉक्स बने हों और कपड़े तय लगे हों और फिर बंदे ने रखे हुए हों। लेकिन भाई एक दिन मैं सजा के रखता हूँ, दूसरे दिन फिर एक सूट निकालता ना सारे आगे पीछे, फिर मैं कहता हूँ जैसे पड़े हैं पड़े रहने देता हूँ। अलमारी में मैं ये चीज़ कई बार कर चुका हूँ, काम हो ही रहे हैं तो लगे आता हूँ जो है ना भाई सारे काम ही आज फिर कर देते हैं। अम्मा भी लेके आ गई हैं जी पाइप, ये सारे जो पौधे हैं ना इनको पानी भी लगा देते हैं, वैसे बारिश के इम्कान है लेकिन फिर भी भाई खुद लगाने चाहिए। और भाई इधर चेक करो भाई, तो सवा लोगों ने जो इंजीर का पौधा लगाया हुआ ना बहुत बड़ा हुआ है भाई, और ये चेक करो इंजीरें लगी हुई भी हैं, अभी तक वैसे मैंने खाई नहीं है, पता नहीं पकती भी हैं या नहीं, इसी तरह रहती हैं। हमारा जो इलाका है ना यहाँ फलदार पौधे बहुत मुश्किल से होते हैं, पता नहीं क्या मसला है। तो चल गई है भाई मोटर, सारे पौधों को ना पानी शानी लगाते हैं, उनको नहला धुला देते हैं, फ्रेश हो जाएंगे ये, जब पानी इनके ऊपर पड़ता है ना तो ऐसे ग्रीन हो जाते हैं ना। चेक करो, हाँ अभी वैसे उनका प्लान फिलहाल तो नहीं है जिस तरह से वो वहाँ पे हैं, पता नहीं कब आए। तब तक फिर इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये ना हो कि वो आएँ और ये सूखी हुई हों चीज़ें, तो इनको पानी शानी टाइम टाइम से लगाए रखना चाहिए। इतने रखने आना सारे पास से भाग जा सी, अभी भाई थोड़ी देर इसको चलने देते हैं। और इधर जो मैं आपको गाड़ी की एक चीज़ दिखाऊँ, जब हम लाहौर से आए थे ना, बल्कि लाहौर में ही गाड़ी खड़ी थी, इसका ये जो है ना ऊपर वाला कवर उतर के कहीं गिर गया, वहीं पे किया, पहले ही उतर गया था जब भाई लोग एयरपोर्ट गए थे, या फिर बाद में किसी ने उतार लिया या गिर गया, आई डोंट नो, बट ये नहीं था, फिर हम ऐसे ही ले आए। और ये शीशा जो है ना, ये भी भाई तसवर की गाड़ी का टूटा हुआ था पहले ही, उनने अल्फी से चिपकाया हुआ था, फिर अगले दिन ना मैं इसको ऐसे बंद करने लगा था कि ना मैं गुजरने की जगह बन जाएगी, और ये उतर के गिर गया था, फिर मैंने इसका जुगाड़ बड़ा ज़बरदस्त किया। मेरे पास ना वो पड़ी थी गन स्टिक जो होती है ग्लू वाली, जिसको हीट देते हैं तो वो गर्म होकर ऐसे दबाते हैं तो निकलता है, फिर मैंने ये सारी भाई ऐसे लगा दिए, ये सारी नीचे से भी लगा दिए ताकि ये चिपक जाए। वैसे ये है कि ये कवर ऊपर वाला चेंज होने वाला है, तो इसको चेंज ही करवाएंगे, खुद आगे करवाएंगे, फिलहाल इसको वॉश करवाना है, अभी तक मैंने वॉश नहीं करवाया, पहले तबीयत ख़राब रही फिर कुछ कामों में बिज़ी हो गया, तो आज मेरा प्लान है कि इसको भी वॉश करवा के लाऊं।
ये भाई आपको चीज दिखाऊं, इसका पता नहीं क्या नाम था, मुझे भूल गया, पहले भी मैंने एक बार दिखाया था, चुई मुई का पौधा शायद कहते हैं, इसके ऊपर हाथ लगाओ ना पत्तों पे तो ये पत्ते बंद हो जाते हैं। कौन सा पत्ता, ये चेक करना, ये चेक करो बंद हो गया ना, ये देखना, ये देखो वो भी बंद हो गया। आई डोंट नो इनका नाम क्या है, ये बड़े नहीं हो रहे हैं मेरे ख्याल में, ये जब बड़े होते हैं ना तो ये वो जैसे एक चपड़ा सा बन जाता है, मुंह बन जाता है, जब कोई मक्खी बैठी है तो वो बंद हो जाता है, उसको खा जाती है, ये मक्खियाँ वगैरह को भी खा जाते हैं। अच्छा। ये पौधे अच्छा। ये अभी शायद बड़े नहीं हुए, तो इन पर ये जो लगे हुए ना कहाँ हैं, ये चीज़ ये जो लगी हुई है, ये बड़े बड़े बन जाते हैं और जो मक्खी कोई मतलब कीड़ा मकोड़ा आके बैठता है तो वो उसको ऐसे बंद करके खा जाती हैं। तो शाम के 5 बज गए हैं भाई, और फिलहाल ये वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। मैं अभी टाउन जाने लगा हूँ, ग्रॉसरी का सामान लेके आना है घर के लिए, चाय पत्ती और चीनी और दालें कुछ लेनी है, क्योंकि वो ख़त्म हो गई है, महीना ख़त्म होने को है, तकरीबन 2-3 दिन और रह गए हैं, तो सामान खरीदना है, तो अभी जो आगे वो खरीद लाते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल पर नए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।